गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का क्लास 12th का फर्स्ट क्लास है और अभी मैथमेटिक्स में हम चैप्टर 1 जिसका नाम है रिलेशन वो पढ़ाने वाले हैं। रिलेशन से पहले क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर जिसका नाम था सेट। सेट में आप लोगों को पढ़ना था नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट, ये तीनों आप लोगों को जानना था। दूसरा में था आपका सबसेट, तीसरा में है आपका पावर सेट, चौथा में था आपका इक्वल सेट और पांचवा में इक्विवेलेंट सेट। आप लोग भी बोलिए इक्विवेलेंट सेट से। अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन। रिलेशन में आप लोगों को सेट का में भी कहीं कहीं यूज मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा, फिर भी हम अभी आप लोगों को चर्चा करते रहेंगे। नल सेट किसको बोलते हैं? नल सेट उसको बोलते हैं कि कोई अगर एक सेट दिया हुआ है ए और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, यानी यहां पर देख रहे हैं इस जगह पर, यहां पर सेट में एलिमेंट होना चाहिए था लेकिन यहां पर कोई भी एलिमेंट है नहीं है, तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग या तो फाई से या फिर इम्पटी ब्रैकेट से, है ना, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया आपका सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है, सेट ए का सारा एलिमेंट कहां हो? सेट बी में हो, जिसको हम लोग इस सिंबल से सबसेट के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो सेट ए का इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो सेट ए हमारा क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? सबसेट कहलाएगा। तीसरा है आपका पावर सेट। यदि कोई एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक, यदि कोई एक सेट दिया हुआ है ए और उसमें कुछ एलिमेंट्स है, मान के चलिए 1, 2, 3, 4 और इसका हमको पावर सेट निकालना है, पावर सेट ऑफ ए बराबर कितना क्या होता है? 2 to the power n। व्हाट इज एन? एन इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की संख्या कितना? 1, 2, 3, 4, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 4, तो 2 to the power 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16, तो 16 क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। 16 क्या हो गया आपका? पावर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है? एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, दोनों का एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल होता है, इसका मतलब कि वो सेट हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा, यानी सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो और उसमें कितना संख्या में एलिमेंट्स है, 2 है तो यहां भी 2 ही होगा, 5 है तो यहां भी 5 होगा, दोनों में जो एलिमेंट 5 होगा वो दोनों एलिमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। अगर यहां संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां भी 1, 2, 3, 4, 5 ही होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। 5 में आ गया आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे? एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, और एक सेट बी दिया हुआ है ना, इक्वल में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ संख्या डिजिट दोनों क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए, मतलब एलिमेंट की संख्या और संग और जो जो डिजिट होगा मतलब कि जो कैरेक्टर होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होता है हमारा, सेम नहीं होता। सेम क्या नहीं होता है, संख्या सेम होने की जरूरत नहीं है, है ना। यानी कि अगर इसमें अगर पांच है तो इसमें भी पांच होगा, लेकिन अगर इसमें एक्स वाई जेड है तो इसमें हमारा 1 2 3 4 5 हो सकता है, समझे। अगर एक्स वाई जेड दोनों में हो जाएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमको क्या बोलता है, इक्विवेलेंट के लिए। ठीक, तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग कब बोलेंगे इक्विवेलेंट, जब हमारा, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है। ठीक, कंग्रुएंस पढ़े होंगे आप लोग टेंथ क्लास में, पढ़े ना। तो इक्विवेलेंट के लिए होता है, मतलब कि होता है कि इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है ना। कहने का मतलब है कि अगर पांच संख्या है ए में तो यहां पर हो गया एक्स वाई जेड, मतलब तीन है, अगर तीन तीन लेते हैं और इसमें बी में हम ले लेते हैं आपका 1 2 3, तो देखिए यहां भी तीन संख्या और यहां भी तीन संख्या, तो ये इक्वल होना चाहिए संख्या, ना कि डिजिट इक्वल होना चाहिए, है ना। डिजिट इक्वल नहीं होना चाहिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। बेटा देख, ज्यादा स्पीड नहीं छोड़ रहे हैं। अब आते हैं आप लोगों का जो क्लास 12th में टॉपिक पढ़ना है रिलेशन, उस पर पहला आपका रिलेशन किसको बोलते हैं। ठीक, क्या पढ़ना है, रिलेशन किसको बोलते हैं। रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किए थे क्लास 11th में, बढ़िया से पढ़े, लेकिन थोड़ा सा यहां भी बता देते हैं। अगर कोई एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक, और एक सेट बी दिया हुआ है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक, फ्रॉम ए टू बी। एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड रिलेशन, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रिलेशन बोलेंगे। यानी कि अगर मान के चलिए सेट ए में एक एलिमेंट है आपका 1 2 एंड सेट बी में एक एलिमेंट है आपका 3 4, सेम ही हो सकता है, ठीक है ना, सेम ही हो सकता है एलिमेंट, लेकिन हम डिफरेंट लेकर चल रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, इसका रिलेशन निकालना है, यानी मैपिंग करना है ए टू बी। इसका मतलब क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है हमको, क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, सेकेंड एलिमेंट, मतलब सेकेंड सेट के साथ। फर्स्ट सेट का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, सेकेंड सेट का। फर्स्ट सेट का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, सेकेंड सेट का। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आगे हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे उसका डिटेल, लेकिन यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे मल्टीप्लाई को। तो पहला सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 का किसके साथ, सेट बी के पहला एलिमेंट के साथ, तो 1 का 3 के साथ, इसको ऐसे लिखेंगे कॉमा, फिर 1 का 4 के साथ, जब 1 का खत्म हो गया तो किसका होगा, 2 का, तो फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, और फिर इसको हम लोग किसमें बंद कर देंगे, सेट में बंद कर देंगे, और इसको कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आया ये हमारा रिलेशन हो गया, क्या हो गया, रिलेशन हो गया, समझे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जब भी आपको रिलेशन बोलेगा इसका मतलब हुआ कि आप बताइएगा कि दो सेट होता है और दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। समझ आएगा बात का। अब इसमें आपका दिया हुआ है, कुछ कुछ लिखते जाते हैं, आप लोग भी लिखते चलिए, ठीक, रिलेशन इन अ सेट। देखते चलिए, रिलेशन इन अ सेट,
सब कॉपी वगैरह सब नया नया रख लीजिएगा, समझे ना। रिलेशन इन अ सेट, लिखिए अ रिलेशन आर इन अ सेट ए रिलेशन आर इन अ सेट ए, ए कैपिटल है ना, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सॉरी हम लोग सेम में बात कर रहे हैं, ठीक, टू एलिमेंट है दोनों सेम में कर रहे हैं, ए क्रॉस ए, वहां इज अ सबसेट बोले वहां लिखे हैं यार इज सबसेट। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दस आर इन आ रिलेशन इन अ सेट ए इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है इफ एंड ओनली इफ रिलेशन आर, और ये हमारा क्या होगा जो रिजल्टेड वैल्यू होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए। अब एग्जांपल लिखते हैं ऊपर, मान लीजिए कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, कहां बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या होगा ए इज रिलेटेड टू बी। दूसरा अगर आपको दिया हुआ है एक रिलेशन ए बी जो कि आर का सबसेट नहीं है, ठीक, नॉट बिलोंग्स टू आर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि ए नॉट रिलेटेड टू बी, नॉट मतलब काट देंगे रिलेशन लिख के, ठीक, ए नॉट रिलेटेड टू बी, हो गया। अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं, मिटा दे इसको, सबका हो गया ना, जाने से लगा पूछते जाइएगा, मिटा दे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6 सेट ए का एलिमेंट्स है, ठीक।
और दिया हुआ है इसका रिलेशन, अब जो इसका डिफाइन किया गया रिलेशन वो दिया हुआ है, एंड लेट आर बी अ रिलेशन ए, लेट आर बी अ रिलेशन इन ए, गिवेन बाय क्या क्या हुआ वो देखते हैं, जिसको हमको बनाना है जी आई जी ई एन बाय आर इक्वल टू सेट ऑफ, सेट के अंदर है ए बी, जो रिलेशन बनेगा वो ए बी होगा और ए बी में जो एलिमेंट होगा वो डिपेंड करेगा इस पर ए माइनस बी इक्वल टू टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए टू होना चाहिए। अब इसको को बनाना है कि इसका क्या रिलेशन आएगा, ठीक और रिलेशन आपका दिया हुआ है आर इक्वल टू थ्री वन फोर टू फाइव थ्री सिक्स फोर, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब दिखाना है कि कौन जो रिलेशन दिया हुआ है वो कौन इस रूल्स को फॉलो कर रहा है, समझे, ये जो दिया हुआ है रिलेशन यानी कि ए क्रॉस ए करके निकालोगे ना तो इस तरह का एलिमेंट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, वैसे ए क्रॉस ए करोगे तो क्या निकल जाएगा, अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो बहुत सारा निकलेगा है ना, ए का ए के साथ तो इसका इसी के साथ तो वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स, फिर क्या टू का टू वन टू थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स इस तरह से करके है ना, तो कहीं ना कहीं आपको जो हम बोले अभी ए क्रॉस ए करने में तो ये जो चार रिलेशन दिया हुआ है ठीक, ये चारों आपको कहीं ना कहीं ए क्रॉस ए में आपको क्या होगा मिलेगा, ए क्रॉस ए समझ रहे हैं ना, ए क्रॉस ए करोगे तो आपको ये सभी एलिमेंट्स इस रिजल्ट में आपका क्या होगा आएगा, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि जो रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो आर इक्वल टू, जो आपको रिजल्ट दिया हुआ है आर इक्वल टू सेट ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू टू, तो इस रिलेशन को इसमें कौन कौन फॉलो कर रहा है, आप कैसे चेक करेंगे उसको देखिए, यहां पर देखिए आर है तो आर है, देख रहे ना, इक्वल टू है तो इक्वल टू है, सेट है तो सेट है, पहला ए बी है ना, अरे बाबू कहां दिया ए बी है ना, तो ए के स्थान पर कितना है पहला देखिए ना, पहला इवेंट हम लोग थ्री और थ्री कॉमा वन पर चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं थ्री कॉमा वन पर चेक कर रहे हैं, देखिए तो थ्री वन पर हम लोग चेक कर रहे हैं तो ए का मान क्या बन जाएगा आपका थ्री और बी का मान क्या बन जाएगा वन, तो यहां पर आप पुट कीजिए देखिए तो ए का मान थ्री हो गया और बी का मान वन हो गया, ए का मान थ्री और बी का मान वन इक्वल टू टू, रिजल्ट में क्या बनता है टू, टू आना चाहिए ना, सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि थ्री इज रिलेटेड टू वन, यानी कि थ्री इज रिलेटेड टू वन, यानी कि ये क्या है थ्री वन इस रिलेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा फिर क्या है फोर कॉमा टू, पुट कीजिए इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, यहां लिखा हुआ है फोर माइनस टू तो रिजल्ट टू आएगा, घटाएंगे तो आया ना, तो इस नियम का मतलब कि जब ए और बी का मान पुट करोगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए टू आना चाहिए, इसका मतलब है वो इस नियम को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर 4 माइनस 2 किए, ए का मान 4 बी का मान 2 तो रिजल्ट को क्या आया टू आया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मिल रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 इज रिलेटेड टू 2, आर फोर रिलेशन या रिलेटेड टू, ठीक है ना, आर फोर रिलेशन या फिर रिलेटेड टू। नेक्स्ट क्या है आपका 5 3 such that
तो फाइव का मान क्या है? ए का मान है फाइव और बी का मान थ्री, घटाओगे कितना आएगा? टू। इसका मतलब कि ये भी रिजल्ट रिलेटेड है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? सिक्स पावर फोर, सच दैट सिक्स माइनस फोर इक्वल टू क्या हो गया? टू। यानी कि हम यहाँ पे क्या लगा, सिक्स इज रिलेटेड टू फोर, सॉरी फोर। तो यहाँ जितना भी दिया हुआ सभी इस जो दिया हुआ रिलेशन उसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, समझे? तो इसका मतलब ये सभी रिलेशन इसमें ए क्रॉस ए में क्या होगा? होगा। ठीक, उतारिए। दिखाई दे रहा है सबको? हो गया, ये समझ में आया ना? चलिए, ये तो हम लोग देख लिया सब कि रिलेटेड टू है सभी, है ना? इसमें हम एक और जोड़ देते हैं, मान लीजिए अगर इसको हम कर देते हैं यहां पर 1,3, ठीक। क्या किया हमें? एक और बढ़ा दिया 1,3, यानी 1 किसका एलिमेंट होगा? ए का, और 3 किसका एलिमेंट होगा? बी का। यहां देखिए 1,3, सच दैट ए का मान कितना है? 1 माइनस बी का मान कितना है? 3 इक्वल टू कितना है? माइनस 2। जबकि ए माइनस बी इक्वल टू कितना चाहिए था? 2। हमारा रिजल्ट कितना आया? माइनस 2। तो इक्वल हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ? 1 जो है नॉन रिलेटेड टू 3, है ना? इस आर में सेटिस्फाइड ये नहीं होगा मेरा देश का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज। चलिए, डोमेन एंड रेंज, डोमेन रेंज को हम लोग इस पिक्चर से समझते हैं, ठीक। इसमें तीन फॉर्म होता है, एक डोमेन होता है, को डोमेन होता है, और तीसरा हमारा रेंज होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट है ए, कौन सा सेट है? ए, और एक सेट है B।
बी, कौन सा सेट है बी, सेट ए का एलिमेंट सेट बी से क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है, अब वो रिलेट हो रहा है उसके लिए कोई एक डेफिनेशन है कोई एक रूल है, ठीक है, किसी रूल से क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है, यहां पर मान के हम दे दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम लोग समझने जा रहे हैं डोमेन को डोमेन और फिर रेंज, ध्यान से देखिएगा आपके पास दो सेट होगा, एक सेट है ए मान ली है और दूसरा सेट बी मान ली है ना, मान लीजिए एक सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 इतना ही है ना, बी में कुछ एलिमेंट्स है आपके पास 1, 4, 9, 16, 25, अब आपको यहां से फाइंड करना है डोमेन किसको बोलेंगे को डोमेन किसको बोलेंगे और रेंज किसको बोलेंगे, समझ रहे बात को, तो चलिए जो हम लोग मैपिंग बनाए हैं उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स को लिखिए, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 तक है ना, सेट बी में 1, 4, 9, 16, 20 सबको दिख रहा है, अब एक रूल डिफाइंड है फंक्शन यानी मैपिंग इज इसको बोलते हैं हम लोग, ए से बी जो कर रहे हैं मैप कर रहे हैं, मैप मतलब क्या चित्र बनाना, तो मैपिंग यही हो गया चित्र बनाना, ए से बी एक फंक्शन बनाया है, अब वो जो फंक्शन है ए से बी वो डिफाइन कर रहा है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ठीक आपकी मर्जी आप चाहे दूसरा भी वैल्यू लिख सकते हैं उसके अनुसार यहां पर फिर वैल्यू आएगा, ठीक तो अभी एक्स स्क्वायर लिखे हैं उसके अनुसार वैल्यू लिखे हैं, तो 1, 2, 3, 4 क्या है ये एक्स का वैल्यू है, क्या है एक्स का वैल्यू, अब ये एक्स स्क्वायर क्या है इस एक्स का रिजल्टेंट वैल्यू होगा जो कहां पर होगा सेट बी में होगा, कहां पर होगा सेट बी में होगा, समझ रहे हो ना, तो एक्स का मान 1 रखिए, जब यहां 1 रखोगे तो यहां भी 1 पुट करोगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 ठीक है यहां लिख दिए, फिर 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 1 का मैपिंग इसके पास गया, 2 का मैपिंग इसके पास गया, 3 का मैपिंग इसके पास, 4 का मैपिंग इसके पास, और भी एलिमेंट है क्या नहीं है, 25 यहां क्या होगा बच गया, ठीक अब इसी कॉन्सेप्ट से आप समझ जाओगे पूरा, किसको डोमेन बोलेंगे किसको कोडोमेन बोलेंगे और किसको रेंज बोलेंगे, तो सेट ए का यानी ये जो मैपिंग दिख रहा है आपको इसमें सेट ए हो गया, सेट ए का सारा एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है डोमेन का, क्या कहलाता है डोमेन का, सेट ए का सारा एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा डोमेन का, तो डोमेन ऑफ एफ, एफ यानी कि ये फंक्शन, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो गया सेट ए हो, और ए में क्या एलिमेंट है आपका 1, 2, 3, 4 कितना हो गया, सेट बी का, सेट बी का सारा एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है को डोमेन का, सेट बी का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा को डोमेन, तो को डोमेन ऑफ एफ यानी इस फंक्शन का को डोमेन क्या होगा है ना, इस मैपिंग का को डोमेन क्या होगा, तो को डोमेन किसको बोलते हैं, सेट बी के सारा एलिमेंट, ठीक है, जिस पर रेंज बनता है ना, यानी कि सेट बी में ही ना इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, तो सेट बी का सारा एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा को डोमेन कहलाएगा, यानी सेट बी हमारा क्या हो गया को डोमेन हो गया, यानी कि सेट बी में कौन सा एलिमेंट है 1, 4, 9, 16, 25 क्लियर हो गया, अब एक मेन जो बचा है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट वो है आपका रेंज, रेंज ऑफ एफ है ना, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ किसको बोलते हैं, तो सेट ए का रिजल्टेंट एलिमेंट जिस पर इमेज बनता है, ये जो लाइन दिखा है ना स्ट्रेट लाइन, इमेज बनना यहां से यहां इधर गया है लाइन, एरो देख रहे हैं इधर है ना, तो ये जो एरो जिधर जाता है जिस एलिमेंट पे आएगा
इसका मतलब हुआ कि जब आप वन यहाँ रखे तो उसका रिजल्ट वन आया, जब टू रखे तो उसका रिजल्ट टू आया, जब थ्री फोर आया सॉरी जब थ्री रखे तो नाइन आया, जब फोर रखे तो सिक्सटीन आया। चूंकि यहाँ एक्स का स्क्वायर करना है, यानी एक्स का मान जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, ये सारा एक्स का मान है आपका, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आता है डोमेन ए का, तो उसका इमेज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए हम लोग ये जो डायरेक्शन दिख रहा है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं, समझे बात को, ये डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए कि डायरेक्शन किस पर है, वन पर है, फोर पर है, नाइन पर है और सिक्सटीन पर है। तो जिस पर आपका डायरेक्शन रहेगा, यानी कि जिस पर आपका इमेज बनेगा, इमेज बन रहे डायरेक्शन जहां पर जाएगा इमेज, तो उस एनिमेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो रेंज ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, वन फोर नाइन सिक्सटीन, है ना। अब आपके पास एक क्वेश्चन उठ गया कि सर तो हम लोग 25 क्यों लिखे, है कि 25 क्यों लिखे, तो 25 इसलिए लिखे समझने के लिए कि ताकि सेट बी में कोई भी और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आपका हो सकता है। तो हो सकता है जब आपको को डोमेन बोलेगा तो हमारा टोटल एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन जब रेंज बोलेगा तो जिस पर हमारा इमेज बनेगा वही वही एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, समझे। जब यहां से यहां बनता है तो इमेज बोलते हैं, और जब इसी को उलट देते हैं डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन इधर होगा या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। यही जब सेट बी से, ठीक है ना, आपका कहां आ जाए, सेट ए में आ जाए, ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे, प्री आई एम ए जी इमेज बोलेंगे। लेकिन सेट ए से सेट बी की ओर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, समझे। ए से बी की ओर डायरेक्शन होता है तो इमेज होता है, और बी से ए की ओर डायरेक्शन होगा तो प्री इमेज होगा। अभी प्री इमेज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें आपको और डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। उसमें आपका वन वन ओन टू इन टू, समझे, ये सब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन में जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब चीज आएगा आपका, क्लियर है, समझा रहे बात को, चलिए लिखिए।